बड़वानी जिले के राजपुर में कल रात पुलिस ने दबंगई दिखाते हुए आम नागरिकों और दुकानदारों को जमकर धमकाया। घटना के सीसीटीवी फुटेज अलग अलग दुकानों से सामने आए। खाकी जिसकी मौजूदगी से आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जब वही खाकी धमकाने पर उतर आए तो फिर जनता का हाल क्या होगा। जी हाँ, मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पदस्थ टीआई अनिल बामनिया अपने स्टाफ के साथ कल रात सड़कों पर उतरे और मार्केट में खुली दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने लगे। कुछ दुकानों पर मामला सीसीटीवी में भी कैद हो गया, जिसमें टीआई डंडा दिखाकर और दुकान के सामान पर डंडा मारकर दुकानदारों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि सीसीटीवी में भी समय लगभग 10:30 के लगभग का आ रहा है, जबकि सामान्यतः 11 बजे के बाद ही पुलिस दुकानों को बंद कराती है, वो भी सामान्य तरीकों से। यह सारे वीडियो लेकर सांसद गजेंद्र पटेल और भाजपा संगठन के पदाधिकारी बड़वानी एसपी के पास पहुंचे। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ने इसे नशे में धुत थाना प्रभारी की गुंडागर्दी बताई और गृह मंत्री बाला बच्चन के गृह ग्राम में पुलिस के इस रवैये पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और गृह मंत्री से इस बात पर जवाब मांगा है। तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से माननीय सांसद गजेंद्र पटेल की नेतृत्व में हम सब लोगों ने जिले के एसपी को एक ज्ञापन दिया है। राजपुर थाना प्रभारी अनिल बामनिया द्वारा कल रात को शराब के नशे में पूरे शहर के जो छोटे बड़े व्यापारी थे, ठेले वाले, पान दुकान वाले, खोमचे वाले, आइसक्रीम पार्लर वाले, नाई की दुकान और आम जनता, हमारे राजपुर शहर में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हो रहा है। शाम 7 बजे से रात के 11 बजे तक श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन होता है। 11 बजे जैसे ही वहाँ से माता बहनें अपने घर की ओर जा रही थी, आम जनता, धार्मिक श्रद्धालु घर की ओर जा रहे थे, दूसरी तरफ से नशे में धुत थाना प्रभारी द्वारा आम जनता को रोक रोक कर मारपीट करी, गाली गलौज करी, दुकान के अंदर घुसकर लठ मार कर दुकानें बंद कराई और शराब के नशे में ये बोला गया कि मैं जो चाहूँगा वही राजपुर में होगा। मुझे बहुत दुख है कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री मेरे शहर राजपुर में रहते हैं और उनने खुद ने ही कहा था कि मुझे कानून का राज चाहिए, तो ये कौन सा कानून है कि उनके गृह जिले में गृह ग्राम के अंदर पुलिस, जिसके ऊपर लाइन आर्डर संभालने का काम होता है, उसका कर्तव्य निष्ठा है कि वो लाइन आर्डर को संभाले, पुलिस खुद और उसका थाना प्रभारी जिस प्रकार की अराजकता फैला रहे हैं, जिस प्रकार से शहर के अंदर अशांति फैला रहे हैं, ये किस श्रेणी में आता है, मैं प्रभारी मंत्री से और इस जिले के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ। अभी स्थानीय भाजपा सांसद प्रतिनिधिमंडल के साथ में थाना प्रभारी राजपुर बामनिया के विरुद्ध जो है एक ज्ञापन उन्होंने सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और प्रताड़ित किया है, इस प्रकार के आवेदन जो है उन्होंने दिया है। इसके आधार पर हमने एक प्राथमिक जांच आदेशित की है, उस ज्ञापन का परीक्षण कराया जाएगा और उसके अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।